नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नमाला 2.2 और वो है एक चर वाले एक एक समीकरण। तो इससे पहले वीडियो मैंने 2.1 पूरी की है, ठीक है, और 2.1 में आगे उत्तर की जांच करने भी कहा गया था, लेकिन इस प्रश्न में 2.2 के जो प्रश्न है उसमें से कहा गया है निम्न रेखीय समीकरण को हल कीजिए, जांच नहीं करनी है, केवल इसमें x का y का n का जो भी मान है मान याद करना है, उत्तर की जांच इसमें नहीं करनी है। तो सारे प्रश्न करेंगे देख एक करके, वीडियो को अंत तक देखना है। तो शुरू करें, देखो ठीक है, तो यहाँ लिख दो पहले पक्षांतरण करने पर, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा देखो x बट्टे 2 माइनस का एक्स बट्टा 3 एक बट्टा 4, ये प्लस का बन जाएगा 1/5। एक्स बट्टा 2 अपने जगह रख दिया है, ये प्लस का था, बराबर से आगे ये पीछे ले गए, माइनस का हो गया, यानी पक्षांतरण हुआ इसका 1/4 हो गया, ये प्लस माइनस का है, इसका होगा पक्षांतरण तो प्लस का 1/5। अब देखो इनका लघुतम क्या आएगा, छह लघुतम आएगा, इनका लघुतम आ जाएगा 20। लघुतम रब कार्य में अलग से कर सकते हैं देखो, ठीक है, जैसे 2 और 3 का लेसअप कैसे निकालते हैं देखो, 2 और 3 का लेसअप या लघुतम एक ही बात है, 2 का भाग देंगे 1 बार 3 बार, अब इसमें 3 का भाग देंगे 1 बार 1 बार, अब गुणा करो 2 और 3 6 आ रहा है, लघुतम आ जाएगा 6। 4 और 5 का लघुतम कैसे किया, 2 का भाग देते हैं 2 बार 5 बार, और 2 का भाग 1 बार 5 बार, 5 का भाग देते हैं 1 बार 1 बार, 5 को 2 से गुणा 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, लघुतम 20 आ गया। 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3x, 6 में 3 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2x, 20 में 4 का भाग 5 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 5, 20 में 5 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा किया 4, 3x-2x x/6=9/20। अब यहाँ लिख दो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर ये आ जाएगा 20x आ जाएगा, बराबर में ये बन गया 54, एक्स का मान आ जाएगा 54/20। अभी दोनों में किसका भाग जा रहा है देखो, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, उत्तर आ जाएगा 27/10। ये यहाँ तक करना है, आगे हल नहीं करना है, तो एक्स का मान आ गया 27/10। आगे करते हैं, 2 नंबर करते हैं देखो, 2 नंबर में 2, 4 और 6, पहले क्या करो इसका लघुतम ले लो देखो, 2, 4, 6 का लघुतम क्या आएगा, 2, 4, 6 का लघुतम आ जाएगा 12। 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 को n से गुणा करेंगे 6n, 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9n, 12 में 6 का भाग 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10n। अब देखो लघुतम कैसे लिया, लघुतम लेना सीखना चाहिए 2, 4, 6, 2 का भाग 1 बार, 2 बार 3 बार, 2 का भाग 1 बार 1 बार 3 बार, 3 का भाग 1 बार, गुणा करो देखो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 को 2 से 6 और 6 को 2 से गुणा किया 12, लघुतम 12 आ गया है। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं देखो, 10n+6n 16n आ जाएगा, 16n में से घटाएंगे 9n, यहाँ बचेगा 7n, ठीक है। ये देखो पहले प्लस वाला जोड़ दिया, देखो 10 और 6 16 -9 7n, यहाँ वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करने पर तो ये आ गया देखो 7n, 1 से गुणा किया 7n और ये आ जाएगा 21 × 12, 7 को भाग में भेज देंगे गुणा में तो 21 × 12/7, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 12 से, मान के आ जाएगा देखो 36, n का मान आ गया 36। तो यहाँ पर पहले का हो गया 27/10 और दूसरे का हो गया n का मान 36। आगे है इसके बाद में सवाल नंबर 3, 3 में x+7 -8x/3 बराबर में है 17/6 माइनस, ठीक है, यह है देखो तीसरा, चौथा लिखा है x-5/3 बराबर, आगे लिखा है x-3/5 करते हैं देखो इसको, इसमें क्या कर लेते हैं पहले आप कर लो इसका पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण x वाले पद आप इधर रख लो
और एक्स नहीं है वो पद आगे रख लो। ये देखो एक्स माइनस आठ एक्स बट्टे तीन अपने जगह रख दिया है, इसका होगा पक्षांतरण तो भी हो जाएगा पांच एक्स बट्टे दो बराबर में 17/6 और माइनस का आ जाएगा 7। इनका लघुतम आएगा 6, 2, 3 एक का लघुतम 6 आ जाएगा, 6 में एक का भाग 6 बार, 6 को 1 से गुणा किया 6x, 6 में देखो 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16x आ जाएगा, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15x बराबर में, यहाँ भी लघुतम देखो 6 आ जाएगा, 6 में 6 का भाग 1 बार 17 से गुणा किया 17, 6 में 1 का 6 बार, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42। अब देखो एक बात समझनी है, पहले इनको हल कर लेते हैं, देखो 15x और 6x क्या 21 आ जाएगा, 21 में 16 घटाएं क्या बचेगा 5x बट्टे 6 बराबर है 12 में से 7 5 3 में से 1 2 25 बट्टे 6 आ जाएगा। अब लिख लो यहाँ लिख लो वज्र गुणा करने पर, ठीक है वज्र गुणा करेंगे आ जाएगा 5x को 6 से गुणा कर देंगे और 25 को 6 से गुणा, x का मान आ जाएगा 25 इंटू 6 और बट्टा में चला जाएगा 5 इंटू 6, 6 से 6 कट गया और 25 में 5 का भाग 5 बार गया, x का मान आ गया 5। अब इसको करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आप लिख दो वज्र गुणा करने पर, लघुतम में लिया गया है वज्र गुणा कर लो, ये x माइनस 5 गुणा हो जाएगा 5 से और x माइनस 3 गुणा हो जाएगा 3 से, ये 5x माइनस 25 बराबर 3x माइनस 9। अब यहाँ लिख दो पक्षांतरण करने पर, यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 3x माइनस का 9 और प्लस का हो जाएगा 25, ये 25 माइनस का है इसका होगा पक्षांतरण तो प्लस का 25 बढ़ जाएगा, 5x में से 3x यहाँ बचेगा 2x, यहाँ देखो 25 में से घटेंगे 9 16 बचाएगा, देखो संख्या बड़ी प्लस की प्लस का बजाएगा एक्स बराबर आ जाएगा 16, ये दो गुणा भाग में चला गया एक्स का मान आ गया 8, ये देखो इसका आंसर है, चौथे का एक्स का 8 हो गया और यहाँ एक्स का मान 5 आ गया, हो गया देखो ये सवाल नंबर 4। आगे करते हैं सवाल नंबर 5, 3t माइनस 2 बटे 4 माइनस 2t प्लस 3 बटे 3 बराबर में है 2 बटे 3 माइनस t, और आगे 6 नंबर लिखा गया है m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 माइनस एम माइनस 2 बटे 3, यही देखो इसका हाथ लिखा गया है 5 छठा, शुरू करें करना देखो इसको, इनका लघुतम आ जाएगा देखो इसके बटा इसका लघुतम आ जाएगा 4, इनका लघुतम आएगा 12, इसका लघुतम आ जाएगा 3, 12 में 4 का भाग 3 बार गया, 3 को गुणा पूरे से करेंगे 3 को बाहर रख दो, यहाँ 3t माइनस 2, 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 को पूरे से गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3, यहाँ 3 दिन का भाग 1 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को t से गुणा किया 3t, सबको गुणा कर लेते हैं देखो 3 को 3t से गुणा करेंगे आएगा 9t, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 4 को 2 से गुणा किया 8t, 4 को 3 से गुणा किया 12 बट्टे 12 बराबर 2 माइनस 3t बट्टे 3, 9t में से 8t घटाएंगे बचेगा t, माइनस 12 माइनस से आ जाएगा माइनस 18 बराबर 2 माइनस 3t बट्टे 3। अब क्या इन वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा करने पर ये गुणा हो जाएगा 3 से और 2 माइनस 3t गुणा हो जाएगा 12 से, ये देखो 3 अभी गुणा में भाग में भेजेंगे, ठीक है तो भाग कितनी बार जाएगा देखो भाग चला जाएगा 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 4 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 12t, लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, यह आ जाएगा t प्लस 12t 8 और प्लस 18,
ये मान तेरा टी का मान आ जाएगा 26, तो टी का मान आ जाएगा 26/13, तो टी का मान आ जाएगा 2। यही क्या देखो इसका आंसर है। तो पहले लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेने के बाद में गुणा किया है, गुणा के बाद में वज्र गुणा किया है, वज्र गुणा के बाद में अब तीन को यहाँ भाग में भेजा, तो 3 में 12 में 3 का भाग 4 बार चला गया है, 4 को वापिस और गुणा किया है, अब बाद में पक्षांतरण किया है, तो टी +12 टी आ जाएगा बराबर 8 + 18, ये हो गया 13 टी, और ये 26, 26 में 13 का भाग 2 बार टी का मान 2। ये करते हैं ना, इसमें क्या कर लो, पहले आप इनका लघुत्तम ले लो, इधर लघुत्तम 2 आएगा, इधर लघुत्तम 3 आएगा, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को m से गुणा किया 2m, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को m-1 से गुणा कर लेना, 3 में 1 का भाग 3 बार, और 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को गुणा करेंगे m-2 से। इस माइनस चिन्ह को बाहर रखना मत भूलना, माइनस चिन्ह बाहर रखो, इसमें माइनस चिन्ह को बाहर रखा है, यहाँ पर भी बाहर रखा गया है, यहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर है, बाहर है, कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह, 1 को गुणा किया m से -m, 1 को 1 से गुणा किया +1/2 = 3, 1 को m से गुणा किया देखो -m होगा, -1 को -2 से गुणा करेंगे +2, और बटे m बचेगा 3, जोड़ दे 2 m से m गया, m बचेगा +1/2 = 3 और 2 = 5, -m/3, यहाँ लिख लो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा m+1 गुणा किसे होगा, ये गुणा हो जाएगा 3 से, 5 - m गुणा किसे होगा देखो 2 से गुणा, ये आ जाएगा 3m+3, 10 - 2m। अब लीजिए पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण यह आ जाएगा 3m+2m, 10 - 3, ये हो गया 5m और ये हो गया 7, m का मान आ जाएगा 7/5, ये क्या देखो इसका आंसर है। तो यहाँ तक हमने कितने प्रश्न पूरे कर लिए, देखो 6 प्रश्न पूरे कर लिए। इसके बाद में आगे कर रहे हैं हम सवाल नंबर 7। साथ में लिखा है निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, करने का तरीका ऐसा ही है, देखो पहले उनको सरल समीकरण बदलो, उसके बाद में उनको हल कर लो, 4 प्रश्न और बचे हैं, 7, 8, 9 और 10। तो सातवां लिखा है 3 कोष्टक t-3, आगे लिखा है 5 कोष्टक 2t+1, 8वां प्रश्न, 8वां लिखा है 15 कोष्टक y-4, ठीक है, आगे लिखा है -2 कोष्टक y-9, आगे लिखा है +5 कोष्टक y+6, ठीक है, और बराबर में दिया गया 0। ठीक है, 7वां लिखा है 3 कोष्टक t-3, 5 कोष्टक 2t+1, 8वां लिखा है 5 15 कोष्टक y-4, -2 कोष्टक y-9 + 5 कोष्टक y+6 = 0। गुणा कर दो पहले इनको, 3 को t से गुणा करेंगे 3t, 3 को 3 से गुणा करेंगे -9 = 5 को 2 से गुणा करेंगे 10t, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, सीधे लिख दो पक्षांतरण करने पर, ये देखो 3t है, ये -10t बन जाएगा, बराबर ये 5 और ये +9 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -7t और यहाँ 14 14/2, ये देखो गुणा में भाग में चला जाएगा, 14 में 7 का भाग 2 बार, वो 2 किसका जाएगा देखो माइनस का जाएगा, भाग में गुणा का एक ही नियम है, चिन्ह समान है तो माइनस में लिख दो, चिन्ह समान है प्लस में लिख दो, ये गुणा करेंगे 15 को y से गुणा किया 15y, 15 को 4 से गुणा किया 60, -2 को y से किया 2y, -2 को 9 से किया +18, 5 को y से किया 5y, 5 को 6 से गुणा किया 30 = 0, 15y और 5y 20y हो गए, 2y = 18y, अब ये कितना हो गया देखो 30 और 18 कितने हो गए 48 हो गए, 48 में 60 घटाएंगे तो -12 बच गया है बराबर 0, लिख दो पक्षांतरण करने पर। प्रश्न बड़ा है,
उत्तर उतना ही छोटा है। 18y बराबर में हो गया दे प्लस का 12, ये 12 उधर जाएंगे प्लस का 12, अभी यहाँ जीरो का अर्थ यहाँ एक भी संख्या नहीं, अब यहाँ 12 चली गई है आगे, 12/18। अभी इन दोनों में देखो 6 का भाग जा रहा है उत्तर, ये भी सही है, इनको आगे हल कर सकते हैं, दोनों में 6 का भाग जा रहा है तो इसमें भाग 6 का 2 बार जाएगा, इसमें 3 बार, तो मान आ गया वाई का मान 2/3, यही इसका आंसर है। आगे करते हैं सवाल नंबर इसका 9। 9 में लिखा है 3 कोष्टक 5z-7-9-2 कोष्टक 9z-11, ठीक है, और बराबर में लिखा है 4 कोष्टक 8z-3 8z-13 यहाँ लिखा है माइनस का 13, ठीक है, और आगे लिखा है -17 लिखा है, ठीक है, 3 कोष्टक 5z-7-2 कोष्टक 9z-11, 4 = 4 कोष्टक 8z-13 और -17, गुणा कर लो इनको, 3 को 5 से गुणा किया 15z, 3 को 7 से गुणा किया -21, -2 को 9z से गुणा किया -18z, 2 को -11 से गुणा किया ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा 22, बराबर 4 को गुणा किया 8z से यह हो जाएगा 32z, 3 13 को 4 से गुणा किया -52 और -17। अब देखते हैं, देखो 18z में से घटाया 15z बचेगा -3z, 22 में से घटाएंगे 21 प्लस का 1 बचेगा, और ये हो गया 32z में से घटाया 5z बचेगा 27z बचाएगा, ठीक है, और आगे यहाँ हो जाएगा -17। आगे हल करेंगे इसको, ये हो जाएगा माइनस पक्षांतर करने पर, -3z और ये होगा -27z हो जाएगा, -17 और ये -1, ये होगा देखो -30z हो जाएगा और ये होगा -18, जेड का मान -18/-30, और देखो दोनों में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 6 का भाग जा रहा है तो मान आ जाएगा 3/5, ये इसका आंसर है। देखो पहले गुणा किया, देखो 3 को 5 से किया 15z, 3 को 7 से किया 21, 2 को 9 से किया 18, 2 को 11 से किया -22, 8 को 4 से किया 32, 4 को 13 से किया 52 और -17। अब इनको जोड़ा है, देखो 5z है, देखो यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर 13 52। अब इनको हल करते हैं, देखो -18 और 15 यहाँ बचेगा -3z बचेगा और यह बचेगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा 32z, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस का, जुड़ेंगे दोनों ये हो जाएगा 9, गुणसूत्र हो जाएगी, ठीक है। अब आगे इनको हल करते हैं, देखो यहाँ हो जाएगा पक्षांतरण करने, -3z और -32z, माइनस का -70 और ये -1, ये होगा -35z हो जाएगा बराबर -70, जेड का मान -70/-35 यानी जेड का मान क्या आ जाएगा प्लस का 2, ये उत्तर देखो इसका, ये उत्तर आएगा, यानी यहाँ पर 5z नहीं, यहाँ पर क्या देखो 52, ये इसका आंसर है। अब इसका लास्ट आंसर है, वो करते हैं, देखो क्या लिखा है, 0.25 4f-3 बराबर 0.05 और आगे लिखा है 10f-9। अब जब यहां 2 के बाद में 0 है, 2 के बाद में पॉइंट है तो बट्टा में यहां लगा दो 100, यहाँ पर भी 2 के बाद में बट्टा हो जाएगा 100। अब आपको जाने 100 भी गुणा में तो आगे या भाग में तो गुणा में चला जाएगा आगे, यानी यहाँ से यहाँ काट दो, ये कट जाएगा ये, ठीक है, 5 को यहाँ भाग में भेज दो, यहाँ आ जाएगा 5,
यहाँ 10x-9, ठीक है, यहाँ लिख दो आगे 9। अब कोष्टक नहीं है, सब कट गया, देखो ये 2 से 2 0 कट गया है, ये केवल 5 है अब, और ये 25 है तो ये भाग में चला गया, तो 5 बचेगा केवल, 5 से गुणा कर लो, यहाँ आ जाएगा 20x, और ये आ गया -3 है, यहाँ हो गया -15 बराबर 10x-9। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो नीचे लिखो पक्षांतरण करने पर, यहाँ बचेगा 20x-10x बराबर माइनस का 9 और प्लस का 15, यहाँ बचेगा 10x, यहाँ बचेगा देखो 15 में से 9 कटेगा 6, प्लस संख्या बड़ी है तो प्लस की बचेगी, देखो एफ का मान आ जाएगा 6/10, दोनों में 2 का भाग गया 3/5, एफ का मान आ जाएगा 3/5, इसका आंसर है देखो 0.25 है, 4x-3 है, 0.05 है, 10x-9 है, यहाँ 2 0 है, 2.2 के मान पॉइंट है बटाम 4 लगा दो, 2 के पास पॉइंट है बटाम 4 लगा दो, ये अभी इसको भाग में गुणा भेज देगा, तो 2 0 से 2 0 काट दो पहले, ये 5 गुणा भाग में चला जाएगा 25/5, 5 आ जाएगा, 4x-3 10x-9। अब गुणा करो यहाँ 20x-15 बराबर 10x-9, पक्षांतर करने पर 20x माइनस का 10x आ जाएगा -9 और प्लस 15, यहाँ 10x बचेगा बराबर 6, एफ का मान 6/10 बराबर 3/5। प्रश्नमाला 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, यानी प्रश्नमाला इसके साथ ही दूसरी भी कंप्लीट होती है, और आगे वीडियो में नई प्रश्नमाला शुरू करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।